दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ नया रेसिपी, तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एग चौमिन पराठा। तो उसके लिए मैं मैदा ले रही हूँ, डेढ़ सौ ग्राम तक मैं मैदा ली हूँ। अब इसे आटा सान के सानूंगी इसे। थोड़ा सा मैं इसमें तेल डालूंगी। ये तेल डालने से हमारा पराठा खस्ता बनेगा। थोड़ा सा मैं इसमें दही डालूंगी। इससे थोड़ा सा स्वाद आएगा। और एक चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी नमक कि हमारे एग में भी नमक रहेगा और चौमिन में भी। तो बने रहे मेरे वीडियो में। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर हमारा इसी से हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा पानी डालेंगे धीरे धीरे करके। और इसे सान के गोला बनाऊंगी हम। इसे जैसे हम रेगुलर रोटी बनाते वैसा ही आटा बनाएंगे। थोड़ा सा तेल देके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब इधर मैं चौमिन बनाने का तैयारी कर रही हूँ। ये है धनिया पत्ता, हरी मिर्च बारीक, और ये शिमला मिर्च, प्याज और एक छोटा सा टमाटर। और इधर मैं बगुने में पानी गरम कर रही हूँ, इसमें चौमिन डालूंगी। थोड़ा सा हम इसे बॉईल करेंगे चौमिन को। थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे तो हमारा चौमिन चिपकेगा नहीं, खिला खिला बनेगा। ये हमारा चौमिन बॉईल हो गया, ज़्यादा इसको नहीं करने का। और फिर इसे ऐसे जालीदार बर्तन में छान लेने का, थोड़ा सा ठंडा पानी। ये देखिए हमारा चौमिन मस्त खिला खिला हुआ। अब मैं एक कढ़ाई ली हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें एक चम्मच तेल डालूंगी। एक चुटकी सरसों, एक चुटकी जीरा। ये हमारा जीरा और मोरी पक गया। अब इसमें प्याज डालूंगी। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि चौमिन में थोड़ा सा प्याज अगर कच्चा ही रहता है तो ही अच्छा लगता है खाने में। और इधर मैं मसाला ली हूँ, हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, एक चुटकी धनिया पाउडर और एक चुटकी गरम मसाला। हमारा प्याज पक गया। अब इसे शिमला मिर्च डाल रही हूँ और हरी मिर्च बारीक।
अब इसमें टमाटर डालूंगी। ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, इसे थोड़ा थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा कच्चापन रहेगा ना तो ही अच्छा लगता है खाने में। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, क्योंकि मैं उसमें आटे में भी थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अब ये मसाला डालूंगी सब, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा एक चुटकी मिर्ची पाउडर, अब इसमें चाउमीन डाल दूंगी। अब इसे हम चलाएंगे अच्छी तरह से, जिससे हमारा चाउमीन इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हम इसे उबाल ऐसे ना बॉईल कर लिए थे। थोड़ा सा गोल की काली मिर्च और धनिया पत्ता, हमारा चाउमीन तैयार। अब इसे हम चलाएंगे, देखिए मस्त चाउमीन बन गया हमारा। अब मैं एक अंडा ली हूँ, अंडा खाऊंगी। अब थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, इसमें सिर्फ नमक मिलाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा उसमें नमक है तो सिर्फ नमक थोड़ा सा मिलाऊंगी और इसे मिलाऊंगी, पूरा पेस्ट बनाऊंगी। अब मैं एक पैन ली हूँ और पैन गैस पे चढ़ा दी हूँ, इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, थोड़ा सा तेल डालूंगी क्योंकि ये आमलेट बना रही हूँ मैं। ये रही, थोड़ा सा तेल डाली मैं। ये मेरा तेल गरम हो गया, अब इसमें आमलेट, ये मैं आमलेट को पलट दी हूँ। ये देखिए हमारा आमलेट हो गया, अब इसे निकाल लेंगे कोई बर्तन में। और अब मैं ये लोया कर ली हूँ छोटा छोटा, अब इसे बेल के रोटी जैसे बनाऊंगी। हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से बेल लेंगे और फिर इसके ऊपर ये आमलेट देंगे। हम इसे थोड़ा सा पका लेते हैं, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से इसे पकाएंगे। ये हमारा पक गया अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर जो आमलेट बनाई थी वो डाल दी हूँ, और अब इसके ऊपर ये चाउमीन। इस तरह से चाउमीन में पूरे आमलेट के ऊपर फैला दी हूँ, और इसके अंदर इसके नीचे ये है जो हमने मैदा का जो पराठे बनाई थी वो। और अब इसी तरह एक और ऐसे मैदे का पराठे बना लूँगी। ये हमारा पराठा एक और तैयार।
इसे भी थोड़ा सा मैं पका लूँगी, इसे भी थोड़ा सा पकाएंगे स्लो गैस पे। अब इसे मैं एक बार पलट दी हूँ। अब मैं एक पैन ली हूँ क्योंकि ये पैन पे अच्छी तरह से पकेगा। ये हमारा डोसा पैन है और इसमें चिपकेगा नहीं। अब इस पर हम तेल डाल रहे हैं, इस पर घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तेल डाल रही हूँ। अभी हमारा पैन गर्म हो गया, अब इस पे ऐसे हम डाल देंगे और इसके ऊपर ये इसे हम दबा दबा के पकाएंगे। ये हम देखिए हमारा ये पराठा पक रहा है और ये फूल भी रहा है अच्छी तरह से। अब इसे हम पलटेंगे। अब इसे हम पलट दिए और ये देखिए हमारा नाश्ता कितना अच्छा पराठा बना है। ये देखिए हमारा इसका कितना अच्छा कलर और कितना मस्त बना। ये हमारा चौमिन पराठा तैयार है, देखिए कितना मस्त है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना मस्त बच्चे के लिए बना है। और इसी तरह मैं एक अंडा रोल बनाऊंगी। इसी तरह मैं अंडा रोल भी बनाऊंगी। और इसी तरह मैं ये अंडा रोल भी बनाऊंगी। ये हमारा अंडा रोल भी तैयार है। ये हमारा चौमिन पराठा, एग चौमिन पराठा कितना मस्त बना है देखिए। इसे हम बच्चे सबको डब्बा में भी दे सकते हैं। और ये हमारा एग रोल, एग चौमिन रोल। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।